हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। हमें एक बड़ा चम्मच भुना जीरा लेना है। मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च और 25 लहसुन की कलियाँ ली है। अब हम इन सबको एक साथ पीस लेंगे। मैं यहाँ पे सिलबट्टे का यूज कर रही हूँ पीसने के लिए। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सिलबट्टे से ज़्यादा अच्छा आता है। हम इसको धीरे धीरे पीसेंगे। चटनी पीस चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें आपको बहुत कम पानी ऐड करना है, 1 से 2 चम्मच बस, और इसको दोबारा पीसना है। चटनी रेडी है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। सिलबट्टे में जो चटनी लग चुकी है, जो निकल नहीं रही है, उसमें आप थोड़ा पानी डालिए और उसको निकाल लीजिएगा। आपको बहुत कम पानी डालना है क्योंकि लहसुन की चटनी सूखी अच्छी लगती है। मैंने थोड़ा पानी लेके बाकी की जो चटनी है, जो सिलबट्टे से नहीं निकल रही थी, वो मैंने निकाल ली है। लहसुन की चटनी अच्छे से पिस चुकी है। अब हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे, वो आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लहसुन की चटनी तैयार है बनकर। आप इसको पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत चटपटी होती है, और इसमें नींबू वगैरह मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।